हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ विश्व भारती शिक्षा सदन। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7 एंड द चैप्टर इज न्यूट्रिशन इन एनिमल्स चैप्टर 2। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 7 का 2nd चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जिसका मतलब है जंतुओं में पोषण या जीवों में पोषण। तो चलिए स्टूडेंट, सेशन को शुरुआत करते हैं। यू हैव लर्न्ड इन चैप्टर 1 that plants can prepare their own food by the process of photosynthesis. Students, first chapter में हमने पढ़ा कि photosynthesis क्या होता है, यानी photosynthesis एक process होता है जिसके द्वारा plants अपना भोजन खुद बनाते हैं। But animals cannot. लेकिन students, ये जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है वो केवल प्लांट्स में होता है, ग्रीन प्लांट्स में होता है, एनिमल्स में नहीं होता है। तो फिर एनिमल्स को कैसे स्टूडेंट्स न्यूट्रिशन मिलता है? एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स, आइदर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। तो जो जितने भी एनिमल्स होते हैं वो दो तरह से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, या तो डायरेक्टली वो प्लांट्स को खा जाते हैं, प्लांट्स को ही अपना भोजन बनाकर खा लेते हैं, या दूसरा तरीका है कि ये उन एनिमल्स को खाते हैं जो प्लांट्स को खाते हैं। इससे आप एक एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे हेन का एग्जांपल ले सकते हैं। हेन जो है वो घास को खाती है, या दाना आपका जो है वो, या बकरी के एग्जांपल आप ले सकते हैं। बकरी जैसे मान लीजिए ग्रास खाती है या और भी प्लांट्स को खाती है, और बकरी को मनुष्य जो है वो खाता है। तो ये आपका एग्जांपल हो गया एनिमल्स का। जो वैसे एनिमल्स जो प्लांट्स को खाते हैं, तो उन एनिमल्स को दूसरे एनिमल्स खाते हैं। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। हम सभी पढ़ चुके हैं कि कोई ऐसे भी जानवर होते हैं जो प्लांट्स को भी खाते हैं और वो जानवरों को भी खाते हैं, यानी कार्निवोरस की बात हो रही है। ओमनीवोरस की बात हो रही है, जो मतलब आपका प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं। रिकॉल दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। दुनिया में जितने भी जीव जंतु होते हैं उन्हें सर्वाइव करने के लिए या अपने ग्रोथ को बढ़ाने के लिए या अपने बॉडी के रिपेयर के लिए या बॉडी के मेंटेनेंस के लिए स्टूडेंट्स फूड की जरूरत पड़ती है। एनिमल्स न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। तो एनिमल जो न्यूट्रिशन है उनमें आपका क्या क्या स्टूडेंट्स शामिल होता है? तो उसमें न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मतलब एनिमल्स को किस किस न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है, मोड ऑफ इनटेक, किस मोड में वो अपना भोजन ग्रहण करता है और उस भोजन को वो किस प्रकार यूटिलाइज करता है अपने शरीर के अंदर, या उसे किस प्रकार उसका इस्तेमाल करता है। द कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कैन नॉट बी यूटिलाइज एज सच। स्टूडेंट्स, भोजन में जो कंपोनेंट होते हैं, यानी भोजन में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो आपका कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं, जटिल पदार्थ होते हैं, और उन जटिल पदार्थ को हमारा जो शरीर है वो डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तो इसलिए उस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को पहले स्मॉलर या सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। स्टूडेंट, यहाँ पे डाइजेशन, जिसका हिंदी पाचन होता है, तो उसका डिफिनेशन दिया हुआ है कि द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ द फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस।
मतलब जो भोजन में कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस प्रेजेंट है, जो जटिल पदार्थ प्रेजेंट है, उसको जब हम ब्रेक डाउन करेंगे, यानी उसको जब हम तोड़ेंगे किसमें, सिंपल सब्सटेंस में, सरल पदार्थ में जब उसको हम तोड़ देंगे, तो इस प्रोसेस को स्टूडेंट्स क्या कहा जाता है, इस प्रोसेस को स्टूडेंट्स डाइजेशन कहा जाता है। फिर से समझिए स्टूडेंट्स, डाइजेशन क्या है। तो हमने जो खाना खाया, तो हमारे खाने में जो कंपोनेंट होते हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो या आपका प्रोटीन हो या फैट्स हो, ये सब कॉम्प्लेक्स रूप में होते हैं, जटिल रूप में होते हैं, और इनसे डायरेक्टली हम एनर्जी प्रोवाइड हमारा बॉडी को नहीं हो सकता है। तो इसलिए इन जटिल सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इन्हें जब हम ब्रेक डाउन करते हैं, कॉम्प्लेक्स से सिंपल में जब बदल देते हैं, तो इस प्रोसेस को स्टूडेंट्स क्या कहा जाता है, इस प्रोसेस को स्टूडेंट्स डाइजेशन, या हिंदी में जिसे पाचन कहा जाता है, या भोजन का पचना भी आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट, डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। भोजन ग्रहण करने का अलग अलग तरीका होता है, उसके बारे में हम थोड़ा देखेंगे। तो द मोड ऑफ टेकिंग फूड इन टू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। अलग अलग जीव अलग अलग प्रकार से स्टूडेंट्स अपना भोजन ग्रहण करते हैं। बीज एंड ह्यूमिंग बर्ड सक द नेक्टर ऑफ प्लांट्स। स्टूडेंट, जो मधुमक्खियाँ होती हैं, या जो हम ह्यूमिंग बर्ड एक पक्षी होता है, वो क्या करते हैं, फूलों का जो रस होता है उनको चूस कर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क। इन्फेंट ऑफ ह्यूमन, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, या और जितने जानवरों के जो बच्चे होते हैं, जैसे गाय का बछड़ा होता है, भैंस का बछड़ा होता है, बकरी का जो बच्चा होता है, ये सब स्टूडेंट्स अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, तो माँ का जो दूध होता है उसके द्वारा ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं। स्नेक्स लाइक द पाइथन स्वेलो द एनिमल्स दे प्रे अपॉन। और सांप जैसे कि, जो पाइथन सांप होता है, वो क्या करता है, अपने शिकार को ही स्टूडेंट्स निगल जाता है। तो इसका भोजन करने का, भोजन ग्रहण करने का तरीका स्टूडेंट क्या होता है, अलग होता है। सम एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर टीनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाई एंड फीड अपॉन देम। और कुछ पानी में रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं, वो पानी में जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, उन्हें स्टूडेंट छान कर उन्हें अपना भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अब हम स्टूडेंट देखते हैं, जो हमारा है, एक है अमेजिंग फैक्ट। थोड़ा अमेजिंग फैक्ट के बारे में देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टार फिश फीड्स ऑन एनिमल्स कवर्ड बाय हार्ड सेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। स्टार फिश स्टूडेंट्स एक होता है, एक एक्वेटिक आपका एनिमल्स होता है, आप इसे फिश नाम से नहीं जोड़ेंगे, ये मछलियों के समूह से नहीं होता है, एक प्रकार का मछली नहीं है, ये एक प्रकार का इनवर्टिब्रेट में होता है, और ये मछली नहीं है, तो याद रखेंगे इसे आप मछलियों की श्रेणी में नहीं रखेंगे। नाम से स्टार जैसा दिखता है, इसका नाम है आपका स्टार फिश, लेकिन ये एक प्रकार का फिश नहीं है। आफ्टर ओपनिंग द सेल द स्टार फिश पॉप्स आउट इट्स स्टमक थ्रू इट्स माउथ टू ईट द सॉफ्ट एनिमल इन साइड द सेल। स्टूडेंट, जो स्टार फिश होता है, जैसे इसको भोजन दिखता है, तो जो इसका स्टोमक होता है वो बाहर की ओर निकल जाता है, और ये अपने माउथ के द्वारा उस फूड को पकड़ कर स्टोमक के अंदर रख देता है। द स्टोमक देन गोज बैक इन टू द बॉडी। उसके बाद जो जब इसका जो फूड होता है जब स्टोमक में आ जाता है, तो फिर इसका जो स्टोमक पहले जैसा, यानी पहले बॉडी के अंदर रहता है, तो फिर बॉडी के अंदर चला जाता है, और बॉडी जब वो स्टोमक बॉडी के अंदर चला जाता है, तो वहाँ पे जो भी इसका फूड होता है वो धीरे धीरे स्टूडेंट्स डाइजेस्ट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा सेशन जो है यहीं पे रखते हैं हम लोग। नेक्स्ट, अगले दिन हम इस आगे हम लोग देखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया हो, या आपको कुछ नई जानकारियाँ मिला हो, और अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स, तो आप ज़रूर पूछ लेंगे उसे अपने ग्रुप में। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। थैंक यू, मोर इन नेक्स्ट वीडियो।